प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हिंदू रूल या हिंदू पीरियड जब डेवलप हुआ था तो लैंड लॉ किस तरह से इस्टेब्लिश हुए थे, और एक बहुत सिंपल थ्योरी थी लैंड लॉ में कि आपका कल्टीवेटर ही उसका ओनर होता है, और एक सर्टेन अमाउंट लैंड से एक सर्टेन अमाउंट वो सॉवरेन यानी किंग को देता है। कुछ ऐसी ही बातें मुस्लिम पीरियड में हुई और लैंड लॉ कुछ कॉम्प्लेक्स हुए। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मुस्लिम पीरियड में लैंड लॉस किस तरह से डेवलप हुए। पहली बात करते हैं कि मुस्लिम पीरियड कहाँ पर हिंदू पीरियड एंड हुआ और कहाँ पर मुस्लिम पीरियड स्टार्ट हुआ, ये हम क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों पीरियड ओवरलैप करते हैं। इसमें इवन दो प्रीवियसली अरेबियन ट्रेडर्स इंडिया में आए थे और उनके इन्फ्लुएंस को हम नहीं ट्रेस कर सकते, लेकिन लेटर ऑन जब 11th AD में इंडिया का इन्वेजन हुआ, तो मींस मुस्लिम रूल जब स्टैब्लिश हुआ, सो प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मदन लॉ और मुस्लिम लॉ ये स्टैब्लिश होना स्टार्ट हुआ। सो इसमें हम लोग देखते हैं कि इस ड्यूरेशन में जब इन्वेजन हुआ तो इवन मुस्लिम रूलर्स के पीरियड में भी पूरी कंट्री को कॉन्क्वर नहीं किया गया। इवन सदर्न इंडिया तक, डेक्कन तक कॉन्क्वेस्ट हुआ, और सदर्न इंडिया के चोला, चेरा और पांडियन ये एम्पायर ये मुगल एम्पायर के इन्फ्लुएंस से फ्री रहे थे। अब इन इन्वेडर्स की बात करते हैं तो जो मुस्लिम इन्वेडर थे वो सुन्नी स्कूल के हनाफी सेक्स से आते थे। हम लोगों ने देखा है कि डिफरेंट सेक्स में से एक सेक्ट हनाफी सेक्ट भी है। सो उनमें एक लॉ जो उनके लिए पिक्यूलियर है वो फतवाए आलमगिरी में ट्रेस होता है। तो अगर हम लोग दो इन फतवाए आलमगिरी और हिदाया इन दोनों के कॉन्सेप्ट को अगर कंबाइन करें, सो मुस्लिम जो रूलर्स हैं जब वो किसी कंट्री को कॉन्क्वेस्ट करते हैं, किसी कंट्री को के पीपल पे अपनी सोवरेनिटी स्टैब्लिश करते हैं, तो वहां के लैंड सिस्टम में वहां के जो कल्टीवेटर्स हैं उनमें अपनी लैंड के जो लैंड सिस्टम के जो रूल्स हैं वो स्टैब्लिश करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है कि कोई भी मुस्लिम कंकरर जब किसी फॉरेन कंट्री को इन्वेट करता है और उसको लेटर ऑन कन्वर्ट करता है, सो एक सिंपल वे है ट्रिब्यूट का। ट्रिब्यूट मींस कि कल्टीवेटर अपनी कल्टीवेशन करेगा और जो क्रॉप होगी क्रॉप का एक सर्टेन पार्ट एज अ ट्रिब्यूट किंग को यानी मुस्लिम रूलर को दिया जाएगा। इसमें देखते हैं सबसे जो मेन इन्फ्लुएंस है जब कंट्री का, इंडियन पेनिनसुला का अगर हम लोग इस तरह से देखें रफ मैप, तो जब इतना पार्ट इनके डेक्कन तक इतना पार्ट इन कंकोरर के कैप्चर में आ गया, सो ट्रिब्यूटरी प्रिंसेस जो प्रीवियसली राजास थे, अब राजास क्या काम करते थे, सेम कल्टीवेटर्स कल्टीवेट करता था और एक सर्टेन प्रोड्यूस राजाओं को देता था। अब इन कल्टीवेटर को मुस्लिम जो रूलर्स थे या तो वो एक्सपेल कर दिया मुस्लिम रूलर्स ने, या वो सिर्फ टैक्स कलेक्टर का काम करने लगे। सो ये प्रीवियसली जो राजास थे वो एक तरह से हेडमैन के स्टेटस पे रिड्यूस हो गए। देखिए प्रीवियसली हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर कोई सॉवरिन है या स्टेट है, सो स्टेट और कल्टीवेटर्स के बीच विलेज हेडमैन आते थे, विलेज हेडमैन। अब इन विलेज हेडमैन के को एक तरह से ओवरलैप किया इन ट्रिब्यूटरी प्रिंसेस ने, ट्रिब्यूटरी प्रिंसेस ने। ओके, दैट मींस कि ये जो आपके विलेज हेडमैन थे उनका स्टेटस रिड्यूस हो गया था। और इसमें जो ये राजास क्या करते थे, ये कल्टीवेटर्स से टैक्स कलेक्ट करके सोवरेन यानी किंग को देते थे। तो सिंपली हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये सिर्फ एक तरह से टैक्स कलेक्टर की तरह काम करने लगे। ब्रिटिश पीरियड में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से यही टैक्स कलेक्टर
लेटर ऑन जमींदारी के स्टेटस पे ही इवॉल्व हुए। अब इसमें देखेंगे कि यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली कि ये इंटरमीडियरी जो है ये ब्रिटिश पीरियड से डिफरेंट थे। क्यों डिफरेंट थे? क्योंकि मुस्लिम पीरियड में ये सिर्फ टैक्स कलेक्ट करने का काम करते थे और लैंड की ओनरशिप, अगर हम प्राइमरी ओनरशिप की बात करेंगे तो वो कल्टीवेटर के पास थी, बट जो ओरिजिनल प्रोपराइटर था किसी भी लैंड का वो मुस्लिम रूलर या किंग होता था। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ओरिजिनल जो है ओरिजिनल प्रोपराइटर किंग होता था और प्राइमरी प्रोपराइटर कल्टीवेटर होता था। सो दैट मींस कि ये सिर्फ एक तरह से टैक्स कलेक्ट करने का काम करते थे एज अ टैक्स कलेक्टर, और इनको इसके इन टैक्स कलेक्टर में एक तरह से सैलरी बेस्ड इन किंग्स को दी जाती थी। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो कल्टीवेटर्स थे वो एक तरह से परमानेंट हेरिडिटरी राइट रखते थे, यानी ये अपने लैंड को ट्रांसफर यानी बेच भी सकते थे और एक तरह से हेरिडिटरी सिस्टम चलता था। दैट मींस फादर के बाद सन और उनके लेटर जनरेशन उस लैंड को कल्टीवेट करेंगी और उसका एक सर्टेन पार्ट किंग को देंगी, और इन केस इन सम सेंस पे ये लैंड ट्रांसफरेबल भी थे, यानी अगर मैं किसी लैंड का ओनर हूं तो मुस्लिम पीरियड में, तो मैं अपने इस ओनरशिप को ट्रांसफर भी कर सकता हूं। तो यहां पर देखेंगे कि हिंदू पीरियड से लगभग सिमिलर ही स्टेटस था कल्टीवेटर्स का, क्योंकि हिंदू पीरियड में भी कल्टीवेटर्स को अपने लैंड को कल्टीवेट करने की एक तरह से परमिशन थी और इवन वो ही एक तरह से परमानेंट होल्डर थे अपने लैंड के। सेम केस मुस्लिम पीरियड में भी हुआ, यहां पर भी परमानेंट हेरिडिटरी थी और टैक्स पे करना पड़ता था। सो यही उनको एक तरह से कस्टमरी और परगना रेट पे किंग को या सवरन को अपना टैक्स पे करना था। अगर मुस्लिम गवर्नमेंट की बात करेंगे, सो अगर कोई किंग मुस्लिम रूलर किसी फॉरेन कंट्री को कंक्वेस्ट करता है तो इंडिया के लिए स्पेशली कोई लॉ नहीं बनाए गए, तो किस टाइप के लॉ इम्पोज हुए वो लॉज गवर्न होते थे मुस्लिम प्रिंसिपल ऑफ मुस्लिम और लैंड मुस्लिम के मुस्लिम गवर्नमेंट के जो लैंड के रूल्स थे फॉर कंक्वर्ड कंट्रीज वो अप्लाई होते थे। इसमें सबसे पहले कैपिटेशन टैक्स जिसको जिजिया बोला जाता था, जो कि नॉन मुस्लिम्स पे यानी इम्पोज होता था, फर्स्ट टैक्स वो लगाया जाता था, और दूसरा लैंड पे जो फॉरेन लैंड है जहां पर आप रूलर रूल कर रहा है, सो उस पे उस लैंड का जो टैक्स था उसको खिरज बोलते थे, खिरज लैंड पे टैक्स लिया जाता था। और इसमें एक बात ये भी है कि सोल्जर्स को जनरली वेस्टलैंड्स एज अ या फिर वेस्टलैंड दे दिए जाते थे स्मॉल पोर्शन। इसमें एक बात याद की है, एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस ड्यूरेशन में, कि जो ओरिजिनल प्रोपराइटर कल्टीवेटर के थे, अगर कोई मुस्लिम रूलर किसी फॉरेन कंट्री पे इन्वेड करता था तो वो कल्टीवेटर से उनके राइट को छीनता नहीं था, यानी वो कल्टीवेटर से टैक्स देते थे। और कभी कभार क्या होता था कि सोल्जर्स को एक तरह से ग्रांट में या जागीर के फॉर्म में कुछ लैंड सॉवरेन दे देता था। अब यहां पर बात होती है खिरज की, तो खिरज लैंड क्या होता है? खिरज लैंड क्या होता है कि अगर कोई मोहम्मदन कोई मुस्लिम रूलर किसी फॉरेन कंट्री को अटैक करता है और अटैक करने के बाद वो वहां के जो लैंड ओनर्स थे, जो वहां के लैंड ओनर हैं, उनको अपनी लैंड को एंजॉय करने की फुल फ्रीडम देता है, तो उसके एवज में उसके बदले में वो एक टैक्स कलेक्ट करता है उनसे, जिसको खिरज बोला जाता था। अब ये खिरज स्टार्टिंग में नॉन मुस्लिम्स को लगता था, बट लेटर ऑन ऐसे मिले हैं एविडेंसेस कि वो मुस्लिम्स पे भी खिरज लैंड लगता था। खिरज लैंड क्या होता था कि एक लैंड जो कि कल्टीवेट हो सकता था, एक लैंड जो कि प्रॉपरली कल्टीवेट हो सकता है, तो चाहे उसको प्रोडक्टिव बनाया गया या नहीं बनाया गया, चाहे उसमें क्रॉप को ग्रो किया गया या नहीं किया गया, उसका सर्टेन पोर्शन, उस अगर क्रॉप ग्रो होती और वो बिकती तो उसका एक सर्टेन पोर्शन किंग को सॉवरेन को दिया जाता।
दूसरा लैंड या दूसरे टैक्स की बात करते हैं जिसको उसर बोलते हैं, तो वो ये मुस्लिम्स के लिए लगता था। अब एक डिफरेंस खिरज और उसर में क्या है कि उसर एक लाइटर टैक्स था और खिरज एक हैवी टैक्स था। उसर क्या था कि अगर सपोज कीजिए आपके पास एक लैंड है मुस्लिम पीपल के पास और वो एक प्रोडक्टिव लैंड है, एक प्रोडक्टिव लैंड है और उस प्रोडक्टिव लैंड में कल्टीवेटर ने कल्टीवेशन किया और क्रॉप ग्रो हुई, उस क्रॉप को उसने सेल किया और सेल करने के बाद जो प्रोड्यूस उसका होता था उसके बेसिस पे ये उसर टैक्स लिया जाता था। बट खिरज में क्या है कि यहां पर सेम केस को देखेंगे तो लैंड तो प्रोडक्टिव है ही, लैंड तो प्रोडक्टिव है ही, लेकिन अगर नॉन मुस्लिम ने उसको उस पर कल्टीवेशन नहीं किया तब भी उसको उसका टैक्स दिया जाता था। ये मेन डिफरेंस है खिरज और उसर में। तो यहां देखिए मैंने इस तरह से कैटेगराइज किया है कि उसर किस पे लगता था, मुस्लिम्स पे, खिरज नॉन मुस्लिम्स पे लगता था। नेचर उसर लाइटर कैटेगरी का होता था, ये हैवी टैक्स होता था। और इम्पोजिशन कैसे इम्पोज होता था, उसर इम्पोज ऑन द प्रोडक्टिव लैंड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्चुअल प्रोड्यूस, यानी एक्चुअल प्रोडक्शन या क्रॉप जब ग्रो होती थी तभी वो टैक्स इम्पोज किया जाता था। बट यहां पर कैपेबल ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेकिन अगर उसको प्रोडक्टिव बनाया गया नहीं बनाया गया तब भी वो खिरज टैक्स लगता था। मोहम्मदियन थ्योरी की बात करते हैं कि क्या कहती है मोहम्मदियन थ्योरी विद रिस्पेक्ट टू लैंड लॉस। लैंड लॉस कि सवरिन को ओरिजिनल प्रोपराइटर बोला गया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया जो क्रॉप जो कल्टीवेटर है वो प्राइमरी प्रोपराइटर है, यानी सारा काम वही करेगा, बट जो ओरिजिनली प्रोपराइटर है वो सवरिन है। कब तक, जब तक वो उस प्रोड्यूस का एक पार्ट लेता रहेगा। लेकिन यहां पर एक चीज मैंने लिखी है, अगर यही शेयर को एक फिक्स मनी रेट में कम्यूट कर दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्रोडक्टिव लैंड है जो कि ईयर्स तक कल्टीवेशन कर सकता है, तो अगर कल्टीवेटर ने एक ही साथ एक फिक्स मनी रेट अपने लैंड की अगर सॉवरिन को दे दी, दैट मींस कि वो अब पार्टीशन में उसको शेयर मिला नहीं, उसको एक साथ ही सारा शेयर मिल गया, तो उस केस में सॉवरिन उस लैंड का ओरिजिनल प्रोपराइटर नहीं होता था और ओरिजिनल प्रोप्राइटरशिप कल्टीवेटर को मिल जाती थी। यहां पर दो तरह से असेसमेंट किए जाते थे, या तो सॉवरिन या फिर दोनों एक साथ और कल्टीवेटर्स। तो अगर कल्टीवेटर सॉवरिन को राइट देना चाहता है, यानी अपनी लैंड अगर वो सॉवरिन को बेचना चाहता है और इसके बदले में सॉवरिन उसको कुछ पे करेगा, या फिर सॉवरिन लैंड को बेचना चाहता है सॉवरिन बिकॉज ओरिजिनल प्रोप्राइटर है, अगर वो अपनी ओनरशिप को चेंज करना चाहता है, तो ये असेसमेंट डिफरेंट वेज में हम लोग देख सकते हैं। तो हम ये यहां पर नोट के फॉर्म में मैंने लिखा है कि यहां पर दो टू मोड्स ऑफ असेसमेंट इंप्लाइज अ डिफरेंट ओनरशिप एंड चेंजिंग इट वुड इन्वॉल्व अ चेंज ऑफ ओनरशिप। ऑब्वियसली डिफरेंट ओनरशिप, कल्टीवेटर स्टार्टिंग में अपनी लैंड का कल्टीवेटर है, अपनी लैंड का कल्टीवेशन कर रहा है, बट वो ओरिजिनल प्रोपराइटर नहीं है। तो अगर वही कल्टीवेटर अगर एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी सॉवरेन को देता है तो ये ओनरशिप चेंज हो जाएगी और ये ओनरशिप सॉवरेन से चेंज होके कल्टीवेटर में शिफ्ट हो जाएगी। अब यहां पर एक लैंड जिसको बात करते हैं वजीफा खिरज, तो वजीफा खिरज और खिरज में क्या डिफरेंस है कि वजीफा खिरज को अगर कोई लैंड जो कि वजीफा खिरज का लैंड है तो उसमें रिस्ट्रिक्शन इंपोज होती थी उसको बेचने में, जबकि खिरज में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन थी नहीं। तो वजीफा खिरज एक तरह से रिस्ट्रिक्टिव लैंड अगर हम लोग बोल सकते हैं तो वो हो सकता है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, सॉइल की कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता था और इंडिपेंडेंस ऑफ इट्स एक्चुअल कल्टीवेशन। अब ये जो वजीफा खिरज का लैंड है ये खुद कास्ट कल्टीवेटर हिंदू सिस्टम का से मैच करता है। खुद कास्ट मीन्स, खुद मीन्स सेल्फ, कास्ट मीन्स काश्तकारी और काइंड ऑफ फार्मिंग। सो अगर कोई खुद ही अपनी लैंड पे फार्मिंग कर रहा है विदाउट एनी काइंड ऑफ ओनरशिप तो वो खुद कास्ट की कैटेगरी में आ जाता था। खुद काश्तकार उन लैंड्स को ज्यादा प्रेफर करते थे जिनकी सॉइल कैपेबिलिटी अच्छी थी या वो बाय एनी मींस सॉइल की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करते थे। सो इसलिए हम लोग एक तरह से एक सिमिलैरिटी एस्टैब्लिश करते हैं वजीफा खिरज और खुद कास्ट में।
अब इसमें एक और कैटेगरी आती है जिसको पे कास्ट बोलते हैं। पे कास्ट में ये कास्तकार किस, ये जो फार्मर्स हैं वो किस तरह की कैटेगरी में आते हैं, ये अपने लैंड में लेस बाउंडेड है, यानी ज्यादा प्रेशर नहीं है इनमें। और अगर इन पे थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया गया, किस तरह का प्रेशर बढ़ाया जा सकता है, शेयर के, कि अगर किंग ने ज्यादा शेयर बढ़ाया तो अंडर प्रेशर में वो अपने लैंड को छोड़ भी सकते थे। बट इनमें एक कंडीशन और इम्पोज्ड है कि अगर एक तरह से उन्होंने, ये पे कास्ट ने किसी लैंड को कल्टीवेट करने को सोच लिया है, या किसी लैंड को कल्टीवेट करने में अगर ओबलाइज्ड है पे कास्ट, तो उसको शेयर किंग को या सॉवरेन को देना ही पड़ेगा। सो यहां पर ये बात की है कि रिमिट किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अगर उसने लैंड को चूज किया, लैंड को तो ले लिया ऑबलाइज्ड लैंड, बट उसने कल्टीवेशन नहीं किया। इसको मैं समझाता हूं कि अगर ये लैंड है और पे कास्ट ने, ये अगर एक पे कास्ट है, पे कास्ट ने लैंड को लिया, तो स्टार्टिंग में तो पे कास्ट लेस बाउंड होते हैं और प्रेशर में छोड़ देते हैं। बट अगर वही पे कास्ट इस लैंड को कल्टीवेट करने के लिए ऑबलाइज हो जाता है, तो ये रिमिट नहीं हो सकता, यानी इसको फिर एक शेयर का अमाउंट पे करना पड़ेगा। किस केस में, कि उसने लैंड को तो ले लिया बट कल्टीवेट नहीं किया, उस केस में भी इसको सॉवरेन को एक शेयर देना पड़ेगा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी राइट का एक्सटेंट क्या है, कि अगर वजीफा खिरज को इंपोज कर रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी राइट को रिकॉग्नाइज करेगा, यानी वजीफा खिरज में जो प्रॉपर्टी राइट है वो कल्टीवेटर्स पे, कल्टीवेटर्स को ट्रांसफर हो जाते हैं। बट अगर यही कल्टीवेटर वजीफा खिरज के लैंड को बेचना चाह रहा है, तो उसको स्टेट की परमिशन या सॉवरेन की परमिशन लेनी पड़ेगी। राइट वॉज एलिनेबल बट अंडर द परमिशन। ओके, अब यहां पर ये खिरज लैंड है जो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में इराक के शुरुआत में ये इम्पोज हुआ था, जहां पर इराक में ये रूल स्टैब्लिश था उस टाइम पे अकॉर्डिंग टू दिस खिरज लैंड, कि ये खिरज लैंड है, खिरज लैंड प्रॉपर्टी होती थी इनहैबिटेंट्स की और उनको लॉफुली वो सेल कर सकते थे। अब यहां पर मैंने रिस्ट्रिक्शन की बात की थी कि वजीफा लैंड एलिनेबल नहीं है, और वैसे तो परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है सोवरेन की, बट इन अंडर सर्टेन कंडीशन सोवरेन की परमिशन वजीफा लैंड में लेनी पड़ती थी। आई थिंक यहां पर ये नो नहीं होगा, खिरज लैंड में परमिशन नहीं चाहिए, बट वजीफा लैंड में परमिशन चाहिए स्टेट की अगर वो एलिनेट करना चाह रहा है। एक अनदर कैटेगरी ऑफ लैंड में हम लोग बात करेंगे, मुकसिमा लैंड, तो एलिनेशन राइट लिमिटेड था, और ये स्टाप इस क्लास का लैंड जो है हाइस ऑफ कल्टीवेटर्स को जाता था, यानी अगर कोई कल्टीवेटर है तो कल्टीवेटर के आयर, सपोज ए इज द कल्टीवेटर, सो ए कल्टीवेटर का आयर क्या होगा, बी मींस सन, फिर उसका आयर क्या होगा, सी अदर सन। सो ये एक तरह से मुकसिमा लैंड इस तरह की कैटेगरी को बिलोंग करता था, हाइस ऑफ द कल्टीवेटर बी सी काइंड ऑफ थिंग। फिर से बेस्ट और मोगेज नहीं कर सकते थे बिना सॉवरेन के परमिशन के, और इस टाइप के लैंड मुकसिमा लैंड को सॉवरेन ग्रांट करता था। अगर इन शॉर्ट अगर एक बात निकालें तो सॉवरेन ग्रांट करता था इन लैंड्स को। अब मुस्लिम रूल स्टैब्लिश जब हुआ था तो वहां पर क्लियरली मेंशनड है कि ओनरशिप ऑफ द लैंड सोवरेन में वेस्टेड नहीं थी, मींस कल्टीवेटर ही लैंड का प्रोपराइटर था। इसके एग्जांपल में जस्टिस फील्ड ने अपनी बुक लैंड होल्डिंग्स एक बुक लिखी जस्टिस फील्ड ने, तो उसमें ये बताया कि एम्परर्स भी परचेस करते थे लैंड, जैसे औरंगजेब ने हुंडी पालन में, अकबर ने अकबराबाद और अलाहाबाद के फोर्ट के लिए, और शाहजहानाबाद के लिए लैंड परचेस की लोकल कल्टीवेटर से। मोहम्मद ने लॉ फिर
यहां से है कि द सोवरेन हैज ओनली अ राइट ऑफ प्रॉपर्टी इन द ट्रिब्यूट और रेवेन्यू एंड हु हैज अ ट्रिब्यूट फ्रॉम द लैंड हैज नो प्रॉपर्टी इन द लैंड. तो मोहम्मद अल-नौफ बहुत साफ इन मामलों में कि अगर सोवरेन ट्रिब्यूट लेता है तो उसकी लैंड में कोई प्रोपराइटरशिप नहीं होगी. अब यहां पर एक बात देख लेते हैं कि क्या मेन डिफरेंस है हिंदू और मुस्लिम सिस्टम में. तो वो लैंड रेवेन्यू के कॉस्ट में है. जैसे हिंदू पीरियड में जितना भी प्रोड्यूस होता था फार्मर का कल्टीवेटर का वो 1/6 होता था. वही खिरज लैंड का 1/3 हो जाता था लेस टाइम ग्रॉस प्रोड्यूस में. औरंगजेब ने इसको बढ़ा के 1/2 औरंगजेब के टाइम में ये 1/2 खिरज लैंड का हो गया था. टोडरमल की बात करते हैं. टोडरमल सेटलमेंट सदर्न इंडिया में एस्टैब्लिश ये रूल विजयनगर रूल चल रहा था तो अकबर का राइन था. अकबर के पीरियड में टोडरमल सेटलमेंट एक तरह से एक लैंडमार्क सेटलमेंट है. लैंडमार्क सेटलमेंट की हम लोग बात करेंगे. और फर्दर जो सेटलमेंट हुए वो एक तरह से टोडरमल सेटलमेंट को रेफरेंस की तरह यूज करते थे. इस सेटलमेंट के अंडर क्या हुआ कि आर्बिट्री टैक्सेस जितने लिए जाते थे ऊपर के टैक्सेस जो कि कल्टीवेटर से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं थे उनको अबॉलिश किया गया. और जो रेवेन्यू लिया जाता था जो टैक्स लिया जाता था स्टेट जो टैक्स लेती थी कल्टीवेटर्स में वो लैंड की ट्रू कैपेसिटी पर डिपेंड करता था. अगर कोई लैंड बैरन है कोई लैंड मिड प्रोडक्टिव है और कोई लैंड हाई प्रोडक्टिव है सो ये डिफरेंट कैपेसिटीज के लैंड थे और उन्हीं लैंड की कैपेसिटी के बेसिस पे रेवेन्यू को असेस किया जाता था. और एक तरह से यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड बनाया गया कि सारे लैंड्स को एक एक्यूरेट मेजरमेंट और एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड के थ्रू मेजर किया जाएगा. तो ये सेटलमेंट एक तरह से रायतवारी सेटलमेंट था. रायतवारी सेटलमेंट मींस कि अगर कल्टीवेटर्स के राइट ही इसमें परमानेंट है या कल्टीवेटर्स के जो राइट्स हैं अंडर रायतवारी सिस्टम वो प्रोमिनेंट है. सो यहां पर ये दिखा है कि राइट एंड इंटरेस्ट सुपीरियर टू द कल्टीवेटर्स वर कंप्लीटली इग्नोर्ड. अगर कोई इंटरेस्ट जो कि कल्टीवेटर्स के राइट से सुपीरियर है उनको नहीं काउंट इसमें किया जाता था. अब जो हेडमैन थे जो कि टैक्स कलेक्ट करते थे उनको क्या दिया जाता था टोडरमल सेटलमेंट के अकॉर्डिंग. उनको अपनी सर्विसेज के बेसिस पे सैलरी और रेम्यूनरेशन दिया जाता था और एक तरह से हेरिडिटरी ड्यूज मिलते थे. मींस जितना भी टैक्स उन्होंने कलेक्ट किया उसका एक सर्टेन परसेंटेज उनको स्टेट से मिलता था. और एक तरह से हेरिडिटरी ड्यूज थे मींस नेक्स्ट जनरेशन भी हेडमैन के स्टेटस पे इवॉल्व होती थी. सो यहां तक हम लोगों ने देखा कि मुस्लिम सेटलमेंट में भी अभी कल्टीवेटर्स के राइट को वॉलेट नहीं किया गया था और एक तरह से मुस्लिम रूलर्स टैक्स कलेक्ट करते थे थ्रू दीज हेडमैन. अब देखेंगे कि किस तरह से ये सिचुएशन चेंज होने लगी और किस तरह से ब्रिटिश पीरियड का एवोल्यूशन हुआ. अगर हम लोग बात करते हैं पीरियड की बात करते हैं सो मैं देखिए यहां पर ये 70 हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि 1707 में मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लग गया था और ब्रिटिश रूल को भी एस्टैब्लिश होने में आई थिंक 1757 प्लासी का जब बैटल हुआ था तब ब्रिटिश सिस्टम फुल्ली कंसोलिडेट हो गया था. तो ये प्लासी और इवन दो कुछ अगर करेक्टली देखें तो 1751 से होल्ड एस्टैब्लिश होना लग गया था ब्रिटिश पीरियड का. और 1707 में डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर बिकॉज औरंगजेब की डेथ हो गई थी 1707 में और लेटर मुगल्स एक तरह से इनकॉम्पिटेंट थे विद रिस्पेक्ट टू दीज ग्रेट मुगल्स. सो इस पीरियड में एक तरह से लॉलेसनेस या एनार्की एस्टैब्लिश हो गई थी. सो इन लॉलेसनेस में क्योंकि स्टेट की पावर वीक हो गई थी सो जो विलेजेस थे अपनी प्रोटेक्शन के लिए लोकल चीफ्टन्स या लोकल हेडमैन्स पर डिपेंड होने लगे अपनी प्रोटेक्शन के लिए. और
इस तरह से उनके लैंड जो राइट्स हैं उनको ये हेडमैन या चीफटन एनक्रोच करने लगे। जब ब्रिटिश पीरियड स्टैब्लिश हुआ तो इन हेडमैन या चीफटन्स को प्रोटेक्ट किया गया और उनको उन लैंड्स की प्रोप्राइटरशिप दी गई। सो हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम पीरियड में, जब मुस्लिम पीरियड ये मुगल पीरियड डिक्लाइन में आया और ब्रिटिश पीरियड स्टैब्लिश हुआ, सो धीरे धीरे से इन चीफटन जो सेमी फ्यूडल लॉर्ड्स थे उन चीफटन ने लैंड की प्रोप्राइटरशिप कल्टीवेटर से लेके दिस चीफटन्स ये लैंड की प्रोप्राइटरशिप कल्टीवेटर से चीफटन्स में चले गई। और हम ब्रिटिश पीरियड में देखेंगे कि यही चीफटन्स जमींदारी के स्टेटस में या जमींदार के स्टेटस में आ गए। सो आज का पीरियड, आज का डिस्कशन यहीं पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रिटिश पीरियड की बात करेंगे कि ये जमींदारी सिस्टम किस तरह से और एनहेंस हुआ ब्रिटिश पीरियड में। थैंक यू वेरी मच।